हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से लेकर आई हूँ पेपर मेशे की एक वीडियो। और इस डक को हम आज कलर करने वाले हैं और ये सूख चुकी है अच्छे से, तो हम इसे पहले पेस्ट कर लेंगे गम लगा के और इसे 2-3 मिनट के लिए रख देंगे ताकि ये सेट हो जाए। और उसके बाद हम कलर करना स्टार्ट करेंगे। हमारे पास एक्रेलिक कलर्स हैं और कुछ कलर्स नहीं हैं, तो मैं उसके जगह वाटर कलर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे कलर रखे रखे सूख चुके हैं। और अब मैं पहले ग्रीन कलर करूंगी। ग्रीन कलर को मैं हाफ नेक तक करूंगी। ये हमारा ग्रीन कलर कंप्लीट हो चुका है। अब हम थोड़ा सा स्पेस रखेंगे और उसके बाद हम पर्पल कलर यूज़ करेंगे। ये हमारा पर्पल कलर भी ऑलमोस्ट हो चुका है और अब हम वाइट कलर यूज़ करने वाले हैं। पर्पल मैंने वाटर कलर यूज़ किया था क्योंकि मेरे पास एक्रेलिक वाला नहीं था। ग्रीन कलर मेरा एक्रेलिक है और ये वाइट कलर वाटर कलर यूज़ किया है। ये भी हो चुका है वाइट कलर। अब हम पहले ब्लू कलर करेंगे पंख पर। ब्लू कलर भी अब कंप्लीट हो चुका है। अब हम ब्लैक कलर करेंगे। ये हमारा ब्लैक कलर भी हो चुका है। अब इसमें हम वाइट की कुछ लाइंस बनाकर शेडेड इसको करेंगे ताकि ये पूरा ब्लैक भी ना दिखे और थोड़ा सा शेडेड लगे। दोनों कलर मार्स होने पर इसका लुक अच्छा आएगा। इस तरह से हम वाइट कलर को अप्लाई करेंगे और इस पर अच्छे से वाइट हो जाने के बाद ये दोनों साइड करेंगे, फिर ऊपर की साइड भी कर लेंगे।
हमारे ब्लैक वाला हो गया था, वाइट का शेडिंग हो गया, आपके पंख भी हमारे बन चुके हैं। अब हमारे कलर्स हो चुके हैं, अब हम आईज ड्रॉ कर देंगे दोनों साइड। इस तरह से ब्लैक कलर की छोटी छोटी आईज बना जाएंगे। अब हम यहाँ पर वाइट डॉट लगाएंगे जिससे हमारी आईज थोड़ी अच्छी लगेगी। ये हो चुका है, अब हम लेग्स को ऑरेंज कलर से करने वाले हैं। अच्छे से ऑरेंज कलर लेग्स पर अप्लाई करेंगे। ये ऑरेंज कलर भी हमारा ऑलमोस्ट हो चुका है और अब हम ऑरेंज कलर ही इसकी बीक पर भी करेंगे। ये हमारी बीक कंप्लीट हो चुकी है और अब हम इस स्टैंड पर ब्लैक कलर अप्लाई कर देंगे। फिर हमारी ये डक बनकर तैयार हो चुकी है। मेरी प्यारी सी डक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।